हेलो फ्रेंड्स, ये एक केस स्टडी आपके साथ डिस्क्लोज करना चाहूँगा। लेनोवो का ये टैब है जिसका मॉडल नंबर और पार्ट नंबर देखे, ये है लेनोवो, है ना, ये ATXF लेनोवो MIIX 320 10 ICR का। ये 5 वोल्ट होता है। जनरली छोटे अविता के लैपटॉप हो गए, आईबॉल के लैपटॉप्स हो गए, छोटे जो चाइनीज़ लैपटॉप्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पे काम करते हैं। और उनमें कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हमने रिपेयर किया। जनरली हम इस तरीके के डिवाइसेस रिपेयर करते नहीं हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं रिपेयर करते हैं, लेकिन हाँ कभी किसी रिलेटिव्स का, कलीग्स का या किसी फ्रेंड्स का होता है, या कई बार हमारे स्टूडेंट्स के होते हैं, तो हम लोग टाइम निकाल करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेशली टाइम देर लगाना पड़ता है। तो और लेकिन जब भी मैंने रिपेयर किया है उसमें मैंने देखा है जनरली इस तरीके की आपको आईसी मिलेगी। देख पा रहे हैं, ये पावर मैनेजमेंट, पावर से रिलेटेड, ये रेगुलेटर आईसी है। एक ही आईसी के अंदर मल्टीपल पावर फॉर्मेशन है। ये जो क्वायल्स हैं, इन क्वायल्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज मिलती हैं। सॉरी, ठीक है, सराउंडिंग्स में ढेर सारी क्वाइल लगी हुई हैं और मल्टीपल पावर्स यहाँ से जनरेट होकर के अलग अलग सेक्शंस को जा रही होती है। ठीक है, जब भी मैंने देखा है इस तरीके की आईसी, जब भी पावर मैंने देखा है, पावर डालते ही ये आईसी हीट होने लगती है, थर्मल कैमरास की मदद से सेंस करते हैं, दिख जाती है। अभी इस बार भी मेरा सेम ही रहा है एक्सपीरियंस। ये देखिए, ये सेम आईसी है, APX 288C। ये APX 288C जनरली जब ही हमने पावर डाला ये आईसी हीट हो रही थी, साथ के साथ इसका सीपीयू भी हीट हो रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लगा कि ये सीपीयू तो शॉर्ट हो गया होगा, लेकिन जब हमने इस आईसी को निकाला है, देखा है, तो निकालने के बाद बदला। पहले क्या है, इसको बदलते ही हमारा सिम्टम्स अच्छे दिखाने लगे, मतलब यहाँ पर वोल्टेज तो आ रही थी लेकिन फिर भी शॉर्टिंग भी बता रहा था, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही थी ये आईसी, लेकिन इससे ज़्यादा हीट हो रही थी ज़्यादा सीपीयू। और हमने मल्टीपल टाइम्स इस आईसी को बदला, मल्टीपल टाइम जब भी मिला है इस तरीके के कई आईसी, मतलब इस तरीके के छोटे लैपटॉप टैब, कई टैब्स हमने रिपेयर किए जिनमें यही आईसी, तो हमने एक केस स्टडी बनाकर आपके साथ शेयर करने को सोचा। ये आईसी मार्केट में इजीली मिल जाती है, 150 से 200-250 रुपये की आईसी मिल जाती है। अभी हमारा लक अच्छा भी है कह सकते हैं, यहाँ तो लक ही मानेंगे क्योंकि जनरली कंटिन्यूस रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बेनिफिट हुआ है, होता है जनरली टूल्स का। किसका? टूल्स का। अब हम इसको लगा रहे हैं चेंज करने के बाद, तो ये लोड काफ़ी अच्छा ले रहा है, जिसको बैटरी चार्जिंग का लोड बोलते हैं, और यहाँ चार्जिंग के सिंबल्स भी आने लगे। सो जनरली आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो अटेम्प्ट लेने वाली बात होती है। जब हम तक अटेम्प्ट जब तक नहीं ले रहे होते तब तक लगता है कि नहीं रिपेयर होगा, और अगर टूल्स हैं, अच्छे टूल्स हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अच्छा है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो आप किसी भी डिवाइस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। होना ना होना एक तो अलग बात होती है। सो फिलहाल मेरा तो ओके हो गया, थैंक यू, बाय।